साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर एक और मसीही खानदान पर जुल्म की इंतहा हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिला साहिवाल के थाना यूसफादा के महरर मुजफ्फर से मजदूरी मांगना मसीही भाई का जुर्म बन गया। महरर की जानिब से मुकदमा की धमकियां मिलने लगी। अदनान मसीह चौक साहिवाल 73/5 का रिहायशी है, जिसने महरर मुजफ्फर के घर पेंट का काम किया था। जब मजदूरी मांगी तो वो बुरा मान गए और उसे एक पा होकर झूठे मुकदमा और संगीन नतायज की धमकियां देने लगा। मुतासरा मसीही भाई ने ह्यूमन राइट्स को मौकफ देते हुए वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है, जबकि उसने कहा है कि मुजफ्फर महरर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाकर मुझे इंसाफ फ्राहम किया जाए। अदनान मसीह ने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस वीडियो में। मैं अदनान मसीह 73/5 और साहिवाल का रहने वाला हूँ, पेंट का काम करता हूँ और मसीह बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। मुजफ्फर मुंशी थाने यूसफवाले में ड्यूटी करता है, उसके घर का हमने पेंट किया था और पेंट करने के बाद उसका काम जब हमने क्लियर कर लिया, मजदूरी की बारी आई, आज सुबह आन के लै जो, शाम नु लै जो, सुबह लै लो, शाम नु लै लो, 8 दिन हो गए सानू चक्कर मरवाई जा रहा सी। अगर उसने ओदे नाल राबता होया जे अज साडे नाल क्लियर होए ते कहंदा जी तुसी मेरे घरों पेंट चुक के लै गए जो, पिस्टल लै गए, मैं तुहाडे ते परचा दिन्ना हां। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।